नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिव सेस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमए इकोनॉमिक्स में आज का जो पेपर था आपका सीयूईटी का, उसके लेवल, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस और कट ऑफ क्या होगी, साथ ही क्वेश्चन कहां से आया, इन सब पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और साथ ही जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो सीयूईटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के पेपर को, जो एमए इकोनॉमिक्स का आज का आपका पेपर हुआ, उसको हम दो पार्ट में अगर बांटते हैं, मैथ्स प्लस स्टैट एक पार्ट में रखते हैं और इकोनॉमिक्स एक पार्ट में रखते हैं। तो ये जो थी, ये आपकी मॉडरेट टू इजी थी। पहले मॉडरेट ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे और इजी थी। और स्टैट जो थी ये, और मैथमेटिक्स, ये मॉडरेट थी। हालांकि कुछ लोग टफ बोल रहे हैं, बट अभी तक जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सीधे सीधे फार्मूले और कंसेप्ट बेस्ड पे दिख रहे हैं, कोई भी उसमें नई चीज़ नहीं इंक्लूड की है। हाँ, कुछ चीज़ें नई डाली गई हैं, जैसे टेलर्स थ्योरम आपकी पूछ लिया है, टाइम सीरीज़ पूछा है, तो ये सारे इन्होंने अपने सिलेबस में नहीं मेंशन किया था, बट इन्होंने पूछा है। तो ये मॉडरेट टू मैं टफ़ लिख सकता हूँ कि एकाक क्वेश्चन टफ आए हैं, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट ही रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में ये रहा है। अगर थोड़ी और एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए, बच्चों का कहना है सीधे सीधे कि इकोनॉमिक्स के लास्ट के वीडियोस से क्वेश्चन मैच हो रहे थे। तो इकोनॉमिक्स जो थी वो पूरी मैच हुई है, मैम ने जो भी पढ़ाया है आपको, आपसे वही चीज़ें पूछी गई हैं। वहीं अगर बात करें, देखिए रिग्रेशन की, ये जो कोफिशियंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कल रात में ही एक रिविज़न वीडियो डाला गया था कोरिलेशन और रिग्रेशन का, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी, वहाँ से ये चीज़ें पूछा हुआ था। तो वही है, लोगों को स्टैट्स जो है वो थोड़ी टफ़ लग रही है, और टफ़ नहीं थी वो एक्चुअली आपकी मॉडरेट ही थी। मैथमेटिक्स मॉडरेट से थोड़ी सी टफ़, कुछ क्वेश्चन आपके कह सकते हैं टफ़ पूछे गए थे। ये देखिए, यहाँ पर जो बच्चों ने मुझे अभी तक बताया है कि 35 न्यूमेरिकल अराउंड आए थे। अब इनका कहना है कि ये 12-13 स्टैट्स थे, 13-14 आपके मैथ थे, तो ये लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, तो आई गेस इन्होंने 25 लिखना चाहिए था इनको। तो 45 आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, और 25 इधर आपका कुछ इस तरह से 25-30 क्वेश्चन आपके मैथ्स और स्टैट मिलाकर आए हैं, और बाकी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आए हैं और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो ये आपको हमें बता दूँ, सब सीधे सीधे फार्मूले बेस पर पूछे गए हैं, जैसा कि स्टूडेंट लोग एग्री भी कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट क्लास में डिस्कस हुए वही पूछे गए हैं। अब हाँ, डायरेक्ट तो आपसे क्वेश्चन फार्मूला पे पूछेगा नहीं, थोड़ा तो मॉडिफिकेशन होगा, बट मॉडिफिकेशन इतने भी ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपने चीज़ों को याद अच्छे तरीके से, फार्मूलों को याद किया है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर ले जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैराथन था, वो पूरे बेसिक को कवर किया था और उसके बेसिस पे ही आपका पेपर बना था। तो जिन्होंने भी मैराथन किया, जिन्होंने भी फार्मूले याद किए, जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की हैं, वो मैथमेटिक्स में अच्छा किए हुए हैं, बाकी इकोनॉमिक्स तो डायरेक्ट मैच किया हुआ है जो भी मैम ने कराया है। अब जैसे एक क्वेश्चन पिक करते हैं, लोगों का कहना था कि ये एक क्वेश्चन आया था, इसमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब अगर आप ये देखिए, अगर क्वेश्चन यही आप हम यही लेते हैं, अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये सीधे सीधे आपके डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल पे आता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ से सीधे सीधे आपका dy/dx की वैल्यू आती है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन आपके रिवीजन क्लास में भी, जो यूट्यूब पे मैराथन हुई थी वहाँ पर, और क्लास में तो पूरा डिस्कस किया गया था, इसके कई एग्जांपल कराए हुए थे। तो जिन्होंने भी अच्छे से ये किया होगा क्लासेस या रिवीजन भी जिन्होंने किया होगा यूट्यूब पे, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा होगा। अब यही क्वेश्चन लोगों को मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्या है, इन्होंने या तो ध्यान से पढ़ा नहीं, या ये मैथमेटिक्स को स्किप कर गए, तो इसलिए आपको जिनको भी कठिन लग रहा है उनके साथ यही प्रॉब्लम हुई है। टाइम कंज्यूमिंग सिर्फ इसलिए लोगों को लग रहा है क्योंकि आपका आप ये कह सकते हो कि आपने रिवीजन जो है उसमें थोड़ी कमी रखी, इसलिए आप जिनको भी टाइम कंज्यूमिंग या टफ लगा उनका रिवीजन में थोड़ी कमी कहीं तो कहीं ना कहीं रह गई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत सारे बच्चों का सिर्फ यही कहना है, मॉडरेट आया है पेपर, न्यूमेरिकल ईजी था, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा था, क्योंकि आप
हो सकता है प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही हो, तभी आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। बाकी पेपर आपका मॉडरेट ही आया हुआ है। मैम ने जो भी रिवीजन कराया वो भी सारी चीज़ें रिवीजन से ही आपकी आई हुई हैं, अगर आप ध्यान दें तो। कुछ और बच्चों से अगर मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि जिन्होंने भी मैथ की क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं, सब क्लास से ही आया हुआ है, कोई बहुत बाहर से चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो जिन्होंने भी अटेंड किया है क्लासेस अच्छे से, वो अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम लें, 100 की पावर x, अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत बार कराए गए थे, क्लास में भी कराए गए, इवन रिवीजन में भी कराए गए। आपको बताया गया था कि अगर आपको इस तरह का जैसे इंटीग्रेशन आए 100 की पावर x dx, अब इसको ये सीधे सीधे या तो आपको फार्मूला याद हो कि a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होएगा। बहुत लोगों को ये फार्मूला याद होता है कि a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log a होगा। बहुत लोगों को फार्मूला नहीं याद होगा। तो फार्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तब भी आप इसको हार्डली एक मिनट में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला, आपका बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा है वो यूज़ नहीं हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर जब फार्मूला ना यूज़ हो तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे 100 की पावर x को कुछ t मान लें और इसको log लेके दोनों साइड, x log 100 इक्वल टू log t लीजिए, अब डिफ्रेंशिएट करिए और सब्स्टिट्यूट करिए, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100x log 100 या ln 100 आप कह सकते हैं, या ये 50 की पावर x, ऐसे इसमें से जो भी ऑप्शन आपको दिया हो आप मैच करा सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिन लोगों ने मैथ पे ध्यान दिया है उन्होंने मैथमेटिक्स अच्छा किया है, जिन्होंने रिवीजन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा करके आए हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैम ने जो भी पढ़ाया उससे डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें पूछी गई हैं। तो उम्मीद है पेपर हो गया होगा आप सभी लोग का ठीक ठाक। तो मॉडरेट टू हाई पेपर, मैं अगर मुझे जज करना होगा तो मैं बोलूँगा कि मॉडरेट से हाई रहा है पेपर, थोड़ा सा लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी, और इस लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी के हिसाब से कट ऑफ जो है वो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर से कम जाने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर से आपकी कम जाएगी। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए एक सबब है, वो अभी भी मैथमेटिक्स के सारे फार्मूलों को और सारे कंसेप्ट को एक बार ब्रशअप कर लें। जितने भी क्वेश्चंस यूट्यूब वगैरह पे मैम ने कराया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को वो रिवाइज कर लें तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मैं गारंटी के तौर पे उनको बोल सकता हूँ। तो ये थी आज के पेपर की एनालिसिस कि आपका पेपर जो है वो मॉडरेट ही रहा है, बहुत टफ तो नहीं रहा है आपका पेपर। और मैथमेटिक्स थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़ की है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्किप किया है, बट कोई बात नहीं है। अब आप अपने रिजल्ट का वेट करिए, जिनका पेपर ख़त्म हो गया वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, जिनका पेपर अभी बाकी है वो लोग अभी थोड़ा फोकस और बढ़ा दें, और आने वाले समय में मैं ये श्योर हूँ कि वो बहुत अच्छा करेंगे। तो फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा। धन्यवाद।